नमस्कार, आगे बढ़ते हैं मुहूर्त संख्या 6। आज जो पाठ हम आपको बताएंगे ये बहुत विशेष नहीं है, साधारण है, और मानना भी साधारण और ना मानना तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि मान करके चलते हैं तो हमारे और आपके लिए कोई ऐसा नुकसान तो यहाँ हो ही नहीं सकता कि यदि हम इन बातों को मान लेंगे हमारा कोई नुकसान हो रहा है, नहीं होगा। और यदि आप अपने कैलेंडर के बगल में लिख देंगे तो ये एक बारी मान जाएंगे तो फिर याद भी हो जाएगा। तो जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो मुहूर्त को जानना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी आप बताएंगे अपने लोगों को। लेकिन जो ज्योतिष नहीं सीखना चाहते हैं उनके लिए और जरूरी कि ये कार्य विशेष के लिए त्याज तिथि है, इसको समझ लीजिए, एक दो महीने कैलेंडर में नोट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और भी बातें आएंगी लेकिन यहां तिथियों की बात आ रही है, इसीलिए तिथियों से संबंधित पाठ ही आपको दे रहे हैं। मांस कब खाना चाहिए, मदिरा कब पीना चाहिए, छौर कर्म कर्म होना चाहिए। कहीं देखेंगे गुरुवार को सैलून बंद है तो कहीं मंगलवार को बंद है, तो ये निश्चय कौन करेगा। अच्छा, वीकली ऑफ तो अलग चीज है लेकिन ऐसा देखा जाता है। तो यहां पे कहा गया है कि षष्ठी तिथि को तेल ना लगाएं। अच्छा, ये तो चलिए आजकल प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को तेल लगाते ही नहीं है, लेकिन क्या लगा लेते हैं, वैसलीन लगा लेते हैं या और कोई बॉडी लोशन लगाते हैं। तो संभव हो तो षष्ठी तिथि को त्याग दीजिए, कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। अगर स्किन बहुत रूखा है तो भी एक दिन यदि नहीं लगाएंगे तो इतनी परेशानी नहीं होगी, पंचमी को शाम को लगा लीजिएगा और षष्ठी तिथि को त्याग दीजिएगा। कहते हैं अष्टमी तिथि, किसी भी माह के अष्टमी, ये किसी एक महीने के लिए नहीं बताया जा रहा है, चाहे वो शुक्ल पक्ष में हो और कृष्ण पक्ष में हो। तो यदि अष्टमी तिथि है और आप मांस खाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा शास्त्र मांस खाएं नहीं खाएं इसके लिए मना नहीं करता। हम मना किसके लिए करता, जो साधु है, संत है, सन्यासी है, और कब नहीं खाएं इसके लिए मना करता है। तो यहां देखिए, अष्टमी को मांस नहीं खाना है। तब मांसाहारी जितने भी पदार्थ हैं अगर उन सबका आप त्याग कर देते हैं अष्टमी तिथि के लिए तो आपके लिए कुछ नुकसान नहीं होगा। कभी कभी हमारे घर अतिथि आए हैं उसके लिए बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे सामग्री बनाने के लिए होंगे आपके पास, लेकिन अष्टमी का त्याग करना चाहिए आपको। चतुर्दशी को छौर कर्म, ये चतुर्दशी अर्थ षष्ठी, आप लोग समझिएगा ये छठी तिथि है, ये आठवीं तिथि है, ये चौदहवीं तिथि है और ये पंद्रहवीं तिथि है, या तीसवीं कहते हैं इसको, तीसवीं तिथि। अब ये तीसवीं क्यों लिख दिया, पंद्रहवीं भी बोलते हैं तो इसको चर्चा करेंगे आगे। तो अमावस्या के दिन मैथुन नहीं करना चाहिए। तो हमारे लिए 30 तिथियों में 29 तिथि तो फ्री है, ठीक है, पूर्णिमा को भी यहां मानना चाहिए, यही हमारा कहना है। तो अमावस और पूर्णिमा के बाद और क्या मानना चाहिए विशेष करके मैथुन के लिए, इसको भी हम बताएंगे। तो समझिए कि चौदहवीं तिथि जो है उसके दिन छौर कर्म, अर्थात आपको सैलून नहीं जाना है, स्वयं के लिए नहीं जाना, न बाल बनवाने जाएंगे न दाढ़ी बनवाने जाएंगे, इसका परहेज कर लेंगे। तो कहेंगे कि चौदहवीं तिथि को ही यदि किसी के घर किसी के नियरेस्ट डियरेस्ट का मृत्यु हुआ और चौदहवीं तिथि चतुर्दशी तिथि को ही छौर कर्म पड़ा तो क्या उस तिथि को नहीं करेंगे। तो विशेष परिस्थिति में इसको नहीं माना जाता है।
क्योंकि उस दिन तो उसी दिन होगा, क्योंकि मृत्यु के 10 दिन उपरांत 10 कर्म क्षौर कर्म को बोला जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग भी होता है, लोग अपने कुल परंपरा के हिसाब से इसको करते हैं। तो लेकिन जो नित्य या दैनिक जीवन में जो क्षौर कर्म आता है, आपको रविवार सबसे सुलभ होता है, लेकिन जिस रविवार के दिन चतुर्दशी हो रहा हो उस दिन मत करिए, चतुर्दशी तिथि को छोड़ दीजिए। मैथुन करने के लिए आपके पास 29 दिन पर्याप्त पड़े हुए हैं, अमावस को छोड़ दीजिए। अब हम यहाँ आपको इसके लिए कुछ यहाँ विशेष लिख देते हैं, क्योंकि आजकल भोग विलास में ज़्यादा कुछ ही ज़्यादा रत रहते हैं लोग, लेकिन यदि आप कुछ तिथियों को त्याग देंगे तो आपका इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब कहते हैं कि क्यों त्याग दीजिए, तो हम कहते हैं कि ऐसे तिथियों में आप मैथुन करते हैं और यदि पत्नी गर्भधारण करती है तो हो सकता है कि संतान के लिए उतना अच्छा नहीं हो, संतान के लिए कुछ न कुछ परेशानी हो। अभी बहुत सारी परेशानियां आती है, गर्भ ठहरता नहीं, गर्भ की रक्षा नहीं कर पाते, संतान से लोगों को ढेर सारी शिकायत। तो यदि हम इसका त्याग कर देंगे तो जब हम चयन नहीं कर सकते, अच्छे मुहूर्तों का जब हम चयन नहीं कर सकते, तो कम से कम जो जानते हैं उसका त्याग तो कर सकते हैं। तो यहाँ हम भी कहते हैं कि यदि जानते हैं तो त्याग कीजिए, कल तक नहीं जानते थे कोई बात नहीं थी, लेकिन अब यदि जान लिए तो हम कहेंगे 15वीं और 30वीं अर्थात अमावस और पूर्णिमा दोनों को त्याग दीजिए। जिस दिन त्योहार हो, त्योहार का मतलब होता है कि जिस दिन आप शिव की उपासना कर रहे हो, विष्णु की उपासना कर रहे हो, आपके घर में देवी देवताओं के विशेष पूजन हो रहे हो, तो आप क्या करते हैं उस दिन भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान सुख दो, समृद्धि दो, चतुर विध पुरुषार्थ भी दो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उस दिन तो हम मांग रहे हैं, तो उस दिन हमको सादगी पूर्ण जीवन जीना है। घर में कोई विशेष, आपने कभी कोई कथा रख ली हो, रामायण का पाठ रख लिया हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रखा हो, महामृत्युंजय जपादि करवा रहे हों, तो ऐसे स्थिति में कोई भी विशेष पूजन जो संकल्प के साथ हो, तो उस दिन भी यदि हम मैथुन नहीं करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये सारा चीज पुरुषों के ऊपर लागू विशेष होता है, इस चीज को ध्यान देना है। अब कहेंगे कि महिलाएं तो नहीं, यहाँ ये मैथुन के लिए हम महिलाओं को भी कहेंगे, क्षौर कर्म के लिए महिलाएं भी माने, तेल लगाने के लिए महिला भी, सब ये सब महिलाओं के लिए भी है, लेकिन श्लोकों में पुरुष का प्रयोग किया गया है, पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। और हमारे शास्त्रों में हर आपदा विपदा से अर्निंग मेंबर अर्थात पुरुषों को बचाने का ही की ही बात होती है। आप बहुत पुराने युग में जाएंगे तो कहेंगे स्त्रियां भूखे रहती थी लेकिन अपने पुरुष के लिए खाना बना करके खिलाती थी, या सारा खाना उसी को खिला देती थी, स्वयं भूखे रह जाती थी। क्यों? तो ये उस समय की बात है, लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ पुरुषों के लिए जरूरी नहीं है, अब ये चीज़ स्त्रियों के लिए भी जरूरी है, और स्त्रियों का जन्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुषों का। अब आ जाते हैं, कहते हैं त्रयोदशी, दशमी और द्वादशी, ये 13, 10 और 12। तो उबटन ना लगाएं, उबटन का मतलब हो सभी लोग जानते हैं, हल्दी आदि लगाने की प्रक्रिया होती है। तो जब पंडित मुहूर्त देखते हैं ना, तो वो भी इन तिथियों को त्याग देते हैं। जब कहते हैं ना कि मेहंदी का रसम किस दिन किया जाए, हल्दी किस दिन किया जाए,
तो उस दिन द्वादशी, दशमी और त्रयोदशी को त्यागते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में भी यदि आप द्वादशी, दशमी और त्रयोदशी तिथि को उपटन हेतु प्रयोग में न लाएं, तो दशमी के बाद एकादशी छोड़ दीजिए, एकादशी को कर सकते हैं, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी लगातार। तो यहाँ अब तो उबटन लगाने की परंपरा है नहीं, अब क्या है, पार्लर जाने की परंपरा है। तो उबटन लगाने से जो लाभ आपको होता था, वही लाभ यदि आप पार्लर में जाकर के लेते हैं, तो भी आपको इस तिथि का त्याग करना चाहिए, त्रयोदशी, दशमी और द्वादशी। अच्छा, ये महिलाओं के लिए विशेष प्रयोग होता है। अब वर्तमान समय में आंवला से स्नान की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी दिन आप विशेष स्नान करते हैं। विशेष स्नान का मतलब है कि आप उस दिन साबुन, शैम्पू या और भी कुछ प्रयोग करते हैं। न जाने वर्तमान समय में कितने तरह का प्रयोग है, या विशेष स्नान जो आप करते हैं, आजकल होता है कि भाप से भी स्नान कर रहे हैं, गर्म पानी से भी, ठंडे पानी से भी, तरह तरह के लोशन आदि का प्रयोग करके। तो वो स्नान सप्तमी, नवमी और अमावस के दिन त्याग दीजिए। अगर ये तीन तिथियों में त्याग देंगे तो कोई बड़ी बात है नहीं। सप्तमी के बाद एक दिन अष्टमी नहीं है, नवमी उसके बाद तो फिर बहुत दिन बाद है। तो ये तीन तिथियां उपटन के लिए त्यागना, ये तीन तिथियां विशेष स्नान के लिए त्यागना बहुत मुश्किल काम नहीं है, और यहाँ आपका नुकसान नहीं हो रहा। तो फायदा भी आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन फायदा ही होगा। अब यहाँ है तेल लगाना है, षष्ठी तिथि नहीं लगाएंगे। अब कहेंगे कि आज वर्तमान समय में तो किसी को तिथि नहीं मालूम, तो मालूम रखिए, जरूरी है। संस्कृति को भूल जाएंगे तो संस्कार समाप्त हो जाएगा, इसीलिए संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये जो केपलर के सिद्धांत के बाद हम लोग डेट पढ़ने लगे, मई, जून, जुलाई, इससे 57 वर्ष पूर्व ही शक संवत आ गया था, अर्थात हमारा कैलेंडर आ गया था। तो कैलेंडर भी सबसे पुराना हमारा। तो यहाँ कहते हैं षष्ठी को तेल, अष्टमी को मांस, और चौदहवीं तिथि, चतुर्दशी तिथि को क्षौर कर्म नहीं करना। मैथुन के लिए हमने आपको विशेष बता दिया, अमावस तो रखना ही है, अमावस और पूर्णिमा तो होना ही चाहिए। किसी पुण्य तिथि, किसी शुभ तिथि और जिस दिन व्रत त्यौहार करते हैं, उस दिन तो इसका पालन कीजिए, उस दिन ईश्वर भक्ति में ही लगे रहिए। अन्य दिनों में तो ये कार्य हमारे जीवन में होता ही है, लेकिन जिस दिन ईश्वर की भक्ति हो रही हो, उस दिन उन्हीं की भक्ति हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर क्या, ये वो, हम सबको जानते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बोलते हैं ना, वो ज़्यादा ही ईश्वर के प्रति आसक्त होते हैं, और जब परेशानी होती है तो वो ईश्वर की भक्ति भी ज़्यादा करने लगते हैं। तो इसीलिए छोटा छोटा चीज़ यदि हम पालन करेंगे, और मुहूर्त प्रारंभ करने का मेरा जो उद्देश्य है, आप लौट चले, कि हमको अपने संस्कृति की ओर भी जाना चाहिए। हमको तिथि पता था, हमारी माँ ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, ऐसा कह सकते हैं, हमारे पिता को पंचांग का ज्ञान था ही, लेकिन नॉर्मल तिथि आदि का ज्ञान हमारी माता जो की भी था, उस समय तो बोलचाल में भी था, और हमारे घर जो किसान आते थे पूछने के लिए, तो वो यही कहते थे कि आज ये तिथि है। वो उसको संशय सिर्फ उस दिन के लिए होता था, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि उसके समझ में नहीं आता था, तो सिर्फ उसी को कंफर्म करने के लिए वो पूछती थी आज सप्तमी है या अष्टमी है। और अब क्या है कि गांव में भी, सुदूर देहात में भी जाएंगे तो वहां भी लोग तिथि को भूल चुके हैं, और अब डेट याद है। हम ये नहीं कहते कि डेट याद नहीं रखिए, आप तिथि को ना भूलें, हमारा यही कहना है। और मुहूर्त को बड़ी आसानी से हम लोग समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पाठ अच्छा ही लगेगा, छोटा छोटा पाठ होगा, ताकि आपको याद हो जाए और आपके लिए
बहुत ही अच्छा रहे। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।